फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार VBM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट वीडियो में आप जेंडर काइंड्स ऑफ जेंडर, आज जो हमारा टॉपिक होगा चेंज इनटू जेंडर, चेंज इनटू जेंडर। मैंने कल आपको बताया था जेंडर, दीज आर काइंड्स ऑफ जेंडर 4। फर्स्ट मस्कुलिन जेंडर, सेकेंड फेमिन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर, फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। चेंज इनटू जेंडर एक कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जो मस्कुलिन जेंडर से फेमिन जेंडर बनाए जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट रूल मस्कुलिन जेंडर टू सेम, फेमिन जेंडर। कहने का मतलब मस्कुलिन जेंडर टू सेम फेमिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर के समांतर ही फेमिन जेंडर। जैसे फॉर एग्जांपल, मस्कुलिन जेंडर फेमिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर फेमिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर आपको दिया जाएगा, फेमिन जेंडर कैसे बनता है, मस्कुलिन जेंडर टू सेम फेमिन जेंडर। जैसे फॉर एग्जांपल फादर ब्रदर नेफ्यू, जैसे फादर ब्रदर नेफ्यू। फादर माने तो पिता, फादर का फेमिन हो जाएगा मदर, दूसरा है ब्रदर, ब्रदर माने होता है भाई, ब्रदर का फेमिन हो जाएगा सिस्टर, तीसरा है नेफ्यू, नेफ्यू माने होता है भतीजा, नेफ्यू का फेमिन हो जाएगा नीस, जैसे काऊ हॉर्स, बुल। काऊ का कॉमन होता है गाय, काऊ का फेमिन हो जाएगा हॉर्स, हॉर्स माने होता है घोड़ा, हॉर्स का फेमिन हो जाएगा मेयर, बुल, बुल माने होता है सांड, बुल का फेमिन हो जाएगा काऊ, मैन, मैन माने होता है आदमी, मैन का फेमिन हो जाएगा वुमेन। जो हमारा फर्स्ट रूल था मस्कुलिन जेंडर टू सेम फेमिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर से फादर, फादर माने पिता, फादर का फेमिन हो जाएगा मदर, ब्रदर, ब्रदर माने होता है भाई, ब्रदर का फेमिन हो गया सिस्टर, नेफ्यू, नेफ्यू होता है भतीजा, नेफ्यू का फेमिन जेंडर हो जाएगा नीस, जैसे मैन, मैन माने होता है आदमी, मैन का फेमिन हो जाएगा वुमेन, हॉर्स, हॉर्स माने होता है घोड़ा, हॉर्स का फेमिन हो जाएगा मेयर, बुल, बुल माने होता है सांड, बुल का फेमिन हो जाएगा काऊ। ये हमारा था फर्स्ट रूल। जो हमारा सेकेंड रूल है
रूल नंबर सेकेंड, व्हेन मस्कुलिन जेंडर जेंडर टू एड ई डबल एस टू फेमिन जेंडर फेमिन जेंडर। कहने का मतलब मस्कुलिन जेंडर को फेमिन जेंडर बनाने के लिए ई डबल एस लगाकर फेमिन जेंडर बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पोएट राइटर प्रीस्ट पोएट माने होता है कवि। पोएट का फेमिन हो जाएगा इसमें मस्कुलिन जेंडर टू एड ई एस लगाकर फेमिन जेंडर बन जाएगा। जैसे फॉर पोएट माने होता कवि तो जाए पोएट्स कवित्री। राइटर माने लेखक होता है प्रिस्ट। प्रिस्ट माने होता पुजारी इसमें ई एस लगाकर फेमिन जेंडर बनाया जाता है। व्हेन मस्कुलिन जेंडर टू एड ई डबल एस टू फेमिन जेंडर। कहने का मस्कुलिन जेंडर को फेमिन जेंडर बनाने में ई एस का यूज होता है। जैसे फॉर पोएट पोएट माने कवि तो पोएट से हो जाएगा जो कि कवित्री होता है। राइटर माने लेखक होता है ये राइटर्स हो जाएगा जो कि लेखिका होगा। प्रिस्ट माने होता है पुजारी तो प्रिस्टर हो जाएगा जो कि पुजारिन हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। जो हमारा थर्ड रूल है रूल नंबर थर्ड, व्हेन मस्कुलिन जेंडर इंड और टू बिफोर वावेल एंड वावेल साइलेंट टू एड ई डबल एस मेक टू फेमिन जेंडर रूल नंबर थर्ड जो है व्हेन मस्कुलिन जेंडर एंड आर टू बिफोर वावेल एंड वावेल साइलेंट टू एड ई डबल एस मेक टू फेमिन जेंडर। कहने का मतलब मस्कुलिन जेंडर के अंत में यदि आर का यूज हुआ और आर से पहले यदि वावेल का प्रयोग हुआ तो वावेल को साइलेंट कर दिया जाए उसके बाद ई एस लगाकर फेमिन जेंडर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आथर हंटर आथर माने होता लेखक।
इसमें देखा मस्कुलिन जेंडर के एंड में आर के जो है, यदि जो हमारा रूल कहा गया वे मस्कुलिन जेंडर एंड और यदि मस्कुलिन जेंडर के अंत में आर के जो है वार से पहले यदि कॉन्सोनेंट का प्रयोग हो तो वावेल को सरल कर देता है, इसके बाद ईएस लगाकर फेमिन जेंडर में जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑथर इस मस्कुलिन जेंडर के एंड में आर के जो है आर से पहले वावेल का बिफोर वावेल वावेल के जो है तो इसमें वावेल साइलेंट हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, तो हो जाएगा आथ्रेस। हंटर में तो शिकारी, इसमें देखिए मस्कुलिन जेंडर है, मस्कुलिन जेंडर एंड में आर के जो है आर से पहले वावेल के जो है तो इसमें ई साइलेंट हो जाएगा, हंट्रेस हो जाएगा। जो हमारा थर्ड रूल था वेन मस्कुलिन जेंडर एंड आर टू बिफोर वावेल एंड वावेल साइलेंट टू एड ई डबल एस मे टू फेमिन जेंडर, कहने का मतलब यदि मस्कुलिन जेंडर के अंत में आर का प्रयोग हुआ हो, आर का प्रयोग हो बिफोर वावेल आर से पहले यदि वावेल कैज हुआ तो वावेल को साइलेंट कर दिया है, उसके बाद ईएस लगाकर फेमिन जेंडर बना जाता है। ये था हमारे चेंज इनटू जेंडर, कैसे चेंज परिवर्तित होता है। चेंज इनटू जेंडर कैसे जेंडर चेंज होता है ये आपको मैंने रूल बताया। अब मैं आपको मस्कुलिन जेंडर फेमिन जेंडर का चार्ट आपको दिखा रहा हूं, देखिए कैसे बनता है पूरा, आप जो रूल बताया गया आपको पूरा, ये आपका मस्कुलिन जेंडर से फेमिन जेंडर कैसे बनता है। मस्कुलिन जेंडर फेमिन जेंडर जैसे फादर बॉय मैन हॉर्स बुल नेफ्यू ग्रैंडफादर किंग डॉग पोएट ऑथर सर्वेंट मस्कुलिन जेंडर में फादर बॉय मैन हॉर्स बुल नेफ्यू ग्रैंडफादर किंग डॉग पोएट ऑथर सर्वेंट, ए मस्कुलिन जेंडर है। इसका फेमिन जेंडर कैसे बनता है, फादर का मदर हो जाएगा, बॉय का गर्ल, मैन का वुमेन, हॉर्स का मेयर, बुल का काऊ, नेफ्यू का नीस,
ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर। किंग वन होता राजा, किंग का फेमिन हो जाएगा क्वीन। डॉग माने तो कुत्ता, डॉग का फेमिन हो जाएगा बीच। पोएट माने होता कवि, पोएट का पोएटेस। कवित्री होता है। ऑथर माने लेखक। अभी आपको मैंने रूल बताया, अगर मस्कुलिन जेंडर के एंड में आर के जो आर पर अगर वावेल के जो हो तो उसमें ईएस लगाकर फेमिन जेंडर बनाया जाता है। सर्वेंट में नौकर होता है, इसका हो जाए मैड सर्वेंट। नौकरानी होता है। ये हमारे जो टॉपिक था जेंडर, जेंडर का डिफिनेशन, काइंड्स ऑफ जेंडर, चेंज इनटू जेंडर, कैसे चेंज होता है, परिवर्तित होता है, मैंने आपको दिखाया। जैसे फॉर एग्जांपल फादर का फेमिन हो जाएगा मदर, बॉय का फेमिन हो जाएगा गर्ल, मैन का फेमिन हो जाएगा वुमेन, हॉर्स का फेमिन हो जाएगा मेयर, बुल का फेमिन हो जाएगा काउ, नेफ्यू, नेफ्यू का फेमिन हो जाएगा नीस, ग्रैंड फादर का फेमिन हो जाएगा ग्रैंड मदर, किंग का हो जाएगा क्वीन, डॉग का फेमिन हो जाएगा बीच, पोएट को जाएगा पोएट्रेस, ऑथर का हो जाएगा ऑथरेस, सर्वेंट को जाएगा मैड सर्वेंट, जिसे नौकरानी कहते हैं। ये हमारा टॉपिक था। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा एडजेक्टिव। थैंक्स फॉर यू।